हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप तो खैरियत से होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड का आनंद ले रहे होंगे और घर पे प्रॉब्ली यू आर स्टेइंग एट होम एंड बीइंग सेफ। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको फटाफट मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करती रहती हूँ, डेली ही अपलोड करती हूँ मैं वीडियोस। तो मेरी वीडियोस बेसिकली दे कंसर्न द डी वाई आई वाइज एंड ऑल्सो मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट्स वगैरह में मैं अपलोड करती रहती हूँ। बट आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा एक डी आई वाई पैक जो काफ़ी इफेक्टिव होगी टू रिमूव द टैन फ्रॉम आर एल्बोज और नीज जो हमारे हैं उसको। तो देख सकते हो कितना टैन है, ब्लैक हो चुका है। तो कुछ कारण होते हैं जिस तरह जिसके कारण हमारे टैन या ब्लैक एरियाज डेवलप होते हैं नीज और एल्बोज में। सो दिस में भी ड्यू टू सर्टन मेडिकेशन विच यू आर टेकिंग, इसके कारण भी हो सकता है। या आप वैक्स वगैरह यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू रिमूव योर हेयर, और वीट वगैरह भी हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव हेयर। कोई भी केमिकल्स यूज़ करते हैं विच आर नॉट सूटेबल फॉर योर स्किन, तो इसके कारण भी आपका हो सकता है। तो मैं रेगुलरली वीकली डेली बेसिस पे ही रिमूव करती हूँ, बट ये ब्लॉग बनाने का था तो मैंने रिमूव नहीं किया है। आप देख सकते हो कितना ड्राई है। तो सबसे पहले हमें जो ड्राई एरिया है वो उसको मॉइस्चराइज कर लेना है, और सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र हमारे पास है वो है आपका डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर, मैं यूज़ करने वाली हूँ। और एक फटाफट एक पैक बनाऊंगी मैं यूजिंग रोज़ वाटर एंड आई हैव ग्राम फ्लावर जो बेसन हम कहते हैं। तो आई विल टेक लिटिल बिट ऑफ ग्राम फ्लावर, और ग्राम फ्लावर जो है इट विल क्लेंज योर स्किन, और रोज़ वाटर मॉइस्चराइजेज योर स्किन। और मैंने ले लिया है यहाँ पे हाफ लेमन का जूस बना लिया है उसका, और देखिए आप देख सकते हो इसमें है हाफ अ लेमन जूस। तो आई एम गोना ऐड दिस, और लेमन जो है इट्स अ नेचुरल ब्लीच तो इट विल हेल्प इन लाइटनिंग द डार्क एरिया, जो डार्कनेस हो गई है। तो आपको इतना डार्कनेस हो गया है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको लाइटन करना है। तो कोई भी पैक आप लगाओगे तो फटाफट तो इफेक्ट नहीं देगा, तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। और आप अगर लॉन्ग यूज़ करते हो इसको प्रॉब्ली इन अ वीक और फॉर 10 days इफ़ यू यूज़ इट कंटिन्यूसली और एवरी ऑल्टरनेट डे, तो यू विल सी अ मार्क्ड चेंज। दैट मीन्स जो कलर है वो लाइट होना स्टार्ट होगा, और आप फर्दर अगर यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि तो एकदम ही चला गया है। तो जो कोई अगर दावा करता है कि ये पैक लगाने से फटाफट इफेक्टिव है, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट हाँ इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसको यूज़ करती हूँ। बट चूँकि आपको ये ब्लॉग दिखाना था, ये रेमेडी बताना था, डीवाई पैक बनाना था, तो बना के आप लोगों के सामने दिखाने का था, तो इसलिए मैंने नहीं किया है कुछ। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि कैसे ये डीवाई पैक बनता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये वाला जो ड्राई एरिया है इसको मैं मॉइस्चराइज करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कॉटन ले लिया है, और आई एम गोना फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर, और आई एम गोना फर्स्ट इसको मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी। और आपका ये पोर्शन जो है दीज आर द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरियाज, आप यहाँ ऐसे करके बैठते भी हो तो दिस गेट्स इफेक्टेड। बट हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अगर बेसिकली हम अगर ये आपका इट गेट्स हिडन फ्रॉम योर आई साइट, तो देख धीरे धीरे देख रहे हो, अगर मैं रोज वाटर भी यूज कर रही हूँ तो थोड़ा सा लाइट हो जा रहा है कलर। ये हो लिया, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, ठीक है, और तब तक फटाफट मैं डी वाई पैक जो है वो बना लूँगी। तो ये डी वाई पैक बनाने जा रहे, डी वाई पैक, डी वाई पैक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अबाउट 1 teaspoon ऑफ बेसन, जो ग्राम फ्लावर है वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, और आई एम गोना ऐड दिस
लेमन जूस, ये लेमन जूस जो मेरे पास है, आई एम गोना ऐड दिस, ठीक है, एंड आई एम गोना ऐड रोज वाटर फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, और इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है. I'm gonna add a little bit more of besan. तो ये हो गया आपका पैक बन रहा है जो. ये देखिए आपका बन चुका है. देखिए आप इसी कंसिस्टेंसी में ले बनाए. ये बनाने के बाद मैं दिखा रही हूँ कि आपको कि कैसे लगाना है. तो यहाँ पे पोर्शन में मैं डाल रही हूँ. इस तरह से आपको नी एरिया में भी अगर आपका टैनिंग है तो ये पैक इफेक्टिव है उस टैनिंग को रिमूव करने के में भी. तो अच्छे से आपको सर्कुलर मोशन में लगाना है इसको. और यहाँ पे आपका ग्राम फ्लावर जो है, बेसन जो है, इट एक्ट्स एज क्लेंजर. लेमन जूस मैंने जो यूज किया है, दिस एक्ट्स एज अ नेचुरल ब्लीच. और रोज वाटर एक्ट्स एज अ मॉइस्चराइजर. आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करना होगा ना. तो मॉइस्चराइजर है, ब्लीच है, और आपका जो क्लेंजर है, और बेसन आपका एक्सफोलिएट करता भी है स्किन को. इट एक्ट्स एज अ ग्रेट एक्सफोलिएटर. तो अच्छे से हम इसको 10 मिनट तक मसाज करेंगे. इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख लूंगी. रखने के बाद और धोने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है. मैं जो दावा कर रही हूँ कि ये स्किन को जो टैनिंग है वो लाइटन करता है, वो सही बता रही हूँ कि नहीं, ये आप भी अपने आप देख लो. क्योंकि मैं जो बता रही हूँ 100% इफेक्टिव रेमेडी है, टेस्टेड एंड ट्राइड. साफ कर लिया, धो लिया. आप देख सकते हो कि हल्का सा लाइटन हुआ है. तो ये सही में इफेक्टिव है. आप प्लीज ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि ये इफेक्टिव है कि नहीं आपके लिए. आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हुआ एंड इट्स क्वाइट अ यूजफुल ब्लॉग फॉर यू. तो आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा और लॉकडाउन पीरियड का आनंद लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में.